चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ कि टोनर और मिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, किस तरीके का टोनर आपको यूज़ करना चाहिए और किस टाइप के टोनर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है, आपको वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर के वर्ड्स में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे पास में घंटी आ जाएगी, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कुछ इस तरीके का होता है मिस्ट और ये होता है टोनर। ये दोनों ही स्प्रे वाले हैं। टोनर आपको इसमें मार्केट में जो कॉटन पैड वाला आता है वो भी मिल जाएगा। मेरे पास अयूर का था, मैं रिव्यू बना चुकी हूँ, उस पर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो फिनिश हो चुका है, इस वजह से मैं अभी आपके संग वो शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट वो भी बहुत अच्छा है। बेसिकली टोनर क्यों होते हैं? टोनर आपके ओपन पोर्स को, यहाँ पर जो ओपन पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए होते हैं। आपके फेस के पीएच बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। आपके फेस में अगर थोड़ा सा हाइड्रेशन की कमी है तो वो भी पूरी करते हैं। प्लस अगर आपके फेस में मॉइस्चराइजिंग कम है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, तो आप यूज़ कर सकते हो टोनर। आपको टोनर किस तरीके का यूज़ करना चाहिए? तो सबसे अच्छा टोनर होता है रोज़ का। आप चाहें तो रोज़ का टोनर यूज़ कर सकते हैं। आपको उसे कैसे यूज़ करना होता है, उसे आपको सिंपली अपने कॉटन पर ले लीजिए। रोज़ वाटर के लिए आप डाबर कर लीजिए, काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा आप अल्प्स गुडनेस का भी ले सकते हैं या आप गुड वाइब्स का भी ले सकते हैं। मैंने अल्प्स गुडनेस का लिया था, वो भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, डाबर का भी फिनिश हो चुका है। मुझे रीबाइंग करनी है सभी की। आप उस तरीके के कॉटन पैड पे ले लीजिए और अपने फेस पे अच्छे से टैप टैप करके भी उसे लगा सकते हो। अदरवाइज स्प्रे वाला भी आता है डाबर का, जो कि एक क्लिंजिंग जैसा होता है। आप सिंपली उसको भी जो है स्प्रेड कर सकते हो, अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हो। अभी करेंटली मैं उसे एक हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, बट उससे थोड़ी सी मतलब जलन होती है फेस पे, वो इरिटेट करता है। इस वजह से आप चाहें तो जो बॉटल वाला आता है कॉटन पैड पे लेकर के यूज़ करने वाला, आप उससे यूज़ कीजिए टोनिंग के लिए। या आप कुकुम्बर वाला टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेरे पास हनी का भी है, बट कुकुम्बर वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से आपको इफेक्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। डेली बेसिस पे अगर आप टोनिंग कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके एक टाइम के बाद ये जो भी ओपन पोर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से मिनिमाइज हो जाते हैं। आप देख सकते हो मेरी स्किन, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने रिज़ल्ट आपको बताया कि बहुत अच्छा होता है। मैं फ़िलहाल जो है वो वाला भी यूज़ कर लेती हूँ या गुड वाइब्स के भी यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छे होते हैं, स्प्रे करना होता है सिंपली। आप चाहें तो दिन में दो बार भी कर सकते हैं या एक बार भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब 10-15 बार आपको नहीं करना है या 5-6 बार नहीं करना है। गुड वाइब्स का कुकुम्बर ग्लो टोनर है, इसे यूज़ करने से आपके फेस पे ग्लो आता है। गुड वाइब्स की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन बेस्ड, क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव रहते हैं आपके स्किन के लिए। तो मेरे पास जो है ये 120 ml प्रोडक्ट है और इसका जो MRP दे रखा है 175 rupees दे रखा है, बट अभी पर्पल पे सेल चल रही है, आई लव हार्ट सेल चल रही है, तो आप वहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट्स अगर लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। वहाँ पे बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है, बट एक बार प्राइस देख लीजिएगा कि आपने जब सिंगल प्रोडक्ट ऐड किया है और जब दो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको क्या डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा चीट लगता है वो, कि मुझे ऐसे कुछ खास ऑफर लगते नहीं है पर्पल पे जब ऑफर डेज चल रहे हैं। जैसे अभी वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है तो उस पर ऑफर दे रखे हैं, तो मुझे इतने नहीं लगते। अगर आप अनदर डे लेते हो तो ज़्यादा मुझे बेनिफिट लगता है, बट एज यू आपकी विश है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ कि ये वाला, बैंक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नॉट टू वरी। ये वाला है टोनर और नेक्स्ट है मिस्ट। तो अगेन मिस्ट के लिए भी मैं आपको ये गुड वाइब्स का ही सजेस्ट करूँगी। इसके अलावा प्लम का भी आता है और इनिस्ट्री का भी आता है, बट वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैंड प्राइस के हैं तो वो मेरे पास नहीं है। मतलब आई थिंक 400-500 rupees तक के स्टार्टिंग रेंज है उन दोनों की, बट वो भी बहुत अच्छे हैं। सायमा की काफ़ी सारी मैंने उनकी वीडियोस देखी तो उसमें वो यूज़ करती हैं काफ़ी सारे डिफरेंट, बट ये गुड वाइब्स की काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, 190 rupees में आपको मिल जाते हैं पर्पल पे। तो मेरे पास ये लेवेंडर वाला है, इसमें जो जैस्मीन वाला है वो बहुत अच्छा है, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। वो मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, वो मैंने फेंक दी है बॉटल। ये है लेवेंडर का और आप ये वाला भी देख सकते हो कि मैं कितना यूज़ कर चुकी हूँ।
सो ये वाले जो मिस्ट होते हैं ये आपके फेस को बहुत हाइड्रेट रखते हैं, ये आपके ओपन पोर्स को फिल इन वगैरह नहीं करते हैं। बट अगर आपने मेकअप किया है और आपका फेस 2-3 घंटे बाद बहुत ज़्यादा डल लग रहा है तो आप मिस्ट स्प्रे कर सकते हो। अगर आपका वाटरप्रूफ मेकअप है तो वो इससे रिमूव नहीं होगा, अदरवाइज़ अगर आपने वाटरप्रूफ मेकअप नहीं किया है और इसे स्प्रे कर लिया है तो आपका जो मेकअप है वो ख़राब हो सकता है। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि ये एक मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं है, मैंने इसे यूज़ किया है वाटर टेस्ट के लिए। सो ये सिर्फ आपके फेस को बहुत अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। आप अगर पानी कम पीते हैं, आपको हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, हेल्दी नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और आप इसे दिन में 5 से 6 बार यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप टोनर को नहीं कर सकते हो। टोनर आपको इतना ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं करता है, वो केवल आपके फेस को आपके फेस के पीएच बैलेंस को लेवल में रखता है। बट ये आपके फेस पे हेल्दीएस्ट लाता है, हल्का सा मॉइस्चराइज जैसा कर देता है कि आपको अपनी स्किन थोड़ी रिफ्रेशनिंग लगे। तो इस तरीके का होता है ये टोनर, और सॉरी ये मिस्ट और ये टोनर, दोनों में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। टोनर से आपके ओपन पोर्स फिल इन होते हैं और आपकी स्किन में ग्लो आता है, शाइन आती है, आपकी स्किन टाइट होती है। जब भी आप टोनर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन जो है बहुत अच्छे से टाइट हो जाती है, लूजनेस नहीं रहती है, और धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा ग्लो भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप इसके बाद आइसिंग भी कर सकते हो, अपने फेस पे बर्फ भी लगा सकते हो, उससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छे से टाइट हो जाती है, आपके जो स्पॉट्स वगैरह है वो धीरे धीरे लाइटर होने लग जाएंगे, आप आइस भी यूज़ कर सकते हो। सो ये था इन दोनों में डिफरेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड।